नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा पे। आज हम लोग ज्योग्राफी का नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और भाग पाँच हम लोग ज्योग्राफी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत का भौगोलिक निर्माण। भारत का भौगोलिक निर्माण कैसे हुआ, इंडिया कैसे बना, तो आइए उसे देखते हैं। तो भारत का भौगोलिक निर्माण, सबसे पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप हुआ करता था। पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, एक ही महाद्वीप हुआ करता था। सबसे पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था, एक ही महाद्वीप हुआ करता था। पृथ्वी, ये पृथ्वी है हमारी, इस पे एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम था पेंजिया, जिसका नाम था पेंजिया। ये पेंजिया बाद में टूटकर अलग हो गया, ये पेंजिया बाद में टूटकर अलग हो गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा था वो अंगारा लैंड था, और जो नीचे वाला हिस्सा था वो हमारा गोंडवाना था। नीचे वाला हिस्सा हमारा गोंडवाना था। तो पेंजिया टूटकर दो भागों में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना। गोंडवाना का हमारा जो भारत है, भारत गोंडवाना का ही हिस्सा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत भारत ऑस्ट्रेलिया 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 अफ्रीका 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 और दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका दक्षिण अमेरिका, ये सभी गोंडवाना का ही हिस्सा है। ठीक है, भारत और ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना का ही हिस्सा है, जो एक ही प्लेट थी पहले, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे बोला जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ना शुरू होती है। ये जो प्लेट थी वो यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ना शुरू होती है, और बाद में ऑस्ट्रेलियन प्लेट अपने आप इंडिया प्लेट से अलग हो जाती है। ठीक है, लेकिन इंडिया प्लेट, सॉरी, ये इंडिया, हाँ ठीक है। और बाद में क्या होता है, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट अलग हो जाती है, उसके बाद इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। बट इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती रहती है। बाद में क्या होता है कि ये दोनों प्लेट आपस में टकरा जाती है। यूरेशियन प्लेट बहुत हेवी प्लेट होती है, बहुत ज़्यादा हेवी प्लेट है, जिसके कारण क्या होता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में हिमालय का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो क्या होता है। और एक चीज़ और, इन सभी में टेक्ट्रॉनिक प्लेट्स का सिद्धांत है। टेक्ट्रॉनिक प्लेट्स पे मैं कोशिश करूंगा कि इस पे एक छोटा सा एक लेक्चर दे दूं, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। ठीक है, बस अभी के लिए इतना ही जानते हैं कि इसमें टेक्ट्रॉनिक प्लेट का कॉन्सेप्ट है, टेक्ट्रॉनिक प्लेट का इसमें सिद्धांत है। तो आइए, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो क्या होता है जान लेते हैं। टकराने के बाद क्या होता है। ठीक है, टकराने के बाद भारत का क्या होता है कि हिमालय का निर्माण हो जाता है, हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरे में तिब्बत का पठार का निर्माण होता है, का निर्माण होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और तीसरा, मैदानी क्षेत्र भी बनते हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र हम लोग लिख लेते हैं, उत्तर का मैदानी क्षेत्र भी बनता है, मैदानी क्षेत्र का भी निर्माण होता है। ये कैसे निर्माण होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उन्हीं नदियों के कारण यहाँ पे मैदानी क्षेत्र का भी निर्माण हो जाता है। तो आइए अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले भारत के भौतिक विभाजन को। ठीक है, भौतिक दृष्टि, भारत के भौतिक विभाजन को हम लोग देख लेते हैं। ये मैप मैंने बनाया है कि हम लोग मैप से ही समझेंगे कि भारत का जो माउंटेन है, भारत का जो हिमालय है, वो कैसे कैसे फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक
विभाजन, भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन। भगवान ने भौतिक भारत में मेनली जो है पांच भागों में बांटा गया है, पांच भागों में बांटा गया है, ठीक है। भौतिक दृष्टि से भारत को मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया है, भौतिक दृष्टि से मुख्यतः पांच भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है उत्तर, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र कह लीजिए या हिमालय कह लीजिए, हिमालय कह लीजिए, ठीक है, हिमालय कह लीजिए, है ना, हिमालय नौ इसे। और अगर हम लोग बोले नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन भी हम लोग बोलेंगे, ठीक है। दूसरा में जो है वो है उत्तर का, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र, ठीक है, या उत्तर भारत का विशाल मैदान इसे हम लोग कह लेंगे, उत्तर का विशाल, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान हम लोग देखेंगे, और इसे हम लोग नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं इसे। तीसरे में जो है, तीसरे में हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसे हम लोग प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश बोलते हैं, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठारी, पठारी प्रदेश बोलते हैं, प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, जिसे हम लोग पेनिनसुलर, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। चौथे में जब हम लोग आते हैं, चौथे में जब हम लोग आते हैं तो तटीय मैदानी क्षेत्र हम लोग बोलते हैं, तटीय मैदानी क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र, तटीय मैदानी क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम लोग कोस्टल, कोस्टल प्लेन बोलते हैं, कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और पांचवा जो है हमारा आइलैंड है, द्वीपीय क्षेत्र है, द्वीपीय क्षेत्र है जो कि हमारा आइलैंड है, द्वीपीय क्षेत्र हम लोग जिसे बोलते हैं, द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र जिसे हम लोग आइलैंड, आइलैंड रीजन बोलते हैं, आइलैंड रीजन बोलते हैं, ठीक है, द्वीपीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये पांच भारत की जो भौतिक विभाजन जो हुआ है, भौतिक विभाजन जो हुआ है जिसे हम लोग फिजिकल डिवीजन बोलते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, ये पांच भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक बात समझ लीजिए कि भगवान ने भारत को विभिन्न तरह के क्षेत्र दिए हैं, इसे बहुत सारे कंडीशन, किस तरह से ये किस तरह से फैला हुआ है, यही हमें भौतिक विभाजन में पढ़ना है। तो सब भौतिक विभाजन में हमें पढ़ना है, सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। तो देख लीजिए जो उत्तर का पर्वतीय, सबसे पहले जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है ये हिमालय, ये हमारा उत्तर में आता है, ये जो रीजन है आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन, ये जो मैं स्केच से कर रहा हूँ, ये वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ये जो पर्वतमाला है ये श्रृंखला में है, ये कंटिन्यूअस है, लगातार है, ये श्रृंखला में है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान इसके नीचे आता है, ठीक है, उत्तर भारत का विशाल मैदान इसके नीचे आता है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पंजाब है, ये जो पंजाब है, ठीक है, ये जो पंजाब है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा है, और जब नीचे आए तो यूपी है, यूपी हमारा, यूपी है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे बिहार है, बिहार है यहाँ पे, और ये जो रीजन है ये बंगाल है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और यहाँ पे आसाम, आसाम है, ठीक है। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है ये पंजाब होते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन रीजनों को टच करता है, इन रीजनों को टच करता है, यही हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ये जो मैदान है ये मैदान उपजाऊ मैदान है, ये उपजाऊ मैदान है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ से जो नदियां निकलती हैं, इन ये जो हिमालय से जो नदियां निकलती हैं, ये अपने साथ मिट्टी लेकर निकलती है, जलोढ़ मिट्टी लेकर निकलती है,
जिसके कारण यहाँ पे मैदानी प्रदेश बन जाते हैं, मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र बन जाते हैं और ये उपजाऊ होते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगर हम लोग आगे देखें तो ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो प्रायद्वीपीय पठारी यही फैला हुआ है, ये प्रायद्वीपीय हमारा पठारी प्रदेश है, ये जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है और इसके जो तट पर, ये जो तट है पूर्वी क्षेत्र में, जो तट है ये पूर्वी क्षेत्र में तट है, तटीय मैदानी क्षेत्र में आते हैं, और ये जो पश्चिमी क्षेत्र में है ये पश्चिमी तटीय मैदान में आते हैं। ठीक है, तटीय मैदानी क्षेत्र दो तरह के हैं, एक पूर्वी तटीय क्षेत्र, एक पूर्वी तटीय क्षेत्र और दूसरा पश्चिमी तटीय क्षेत्र, और दूसरा पश्चिमी तटीय क्षेत्र। ठीक है, दो तटीय क्षेत्र बनते हैं, यहाँ से भी जो नदियां निकलती हैं, ये जो नदियां निकलती हैं इनके कारण यहाँ पे तटीय मैदान बन जाते हैं। और मुख्य भूमि से अगर हम लोग आगे चलते हैं, अगर मुख्य भूमि से आगे चलते हैं तो हमारा द्वीपीय क्षेत्र है जो कि आइलैंड है, आइलैंड है, और भारत में 200 से भी ज्यादा आइलैंड है, 200 से भी ज्यादा आइलैंड है। अगर हम मैप में समझे, यहाँ पे मैप में यहाँ पे समझे तो एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसे बोलते हैं, यहीं पर अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहीं पे अंडमान निकोबार आइलैंड है। और जब हम लोग पश्चिम की ओर आते हैं तो पश्चिम की ओर अरब सागर में, अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है अरब सागर में, अरब सागर में हमारा क्या है, लक्षद्वीप है। मेन जो हमारा दो आइलैंड है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड और एक लक्षद्वीप आइलैंड, यही दो आइलैंड के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ऐसे छोटे छोटे आइलैंड बहुत हैं, एक पंबन द्वीप है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ रखा था, पंबन द्वीप है, अंतिम द्वीप है भारत और श्रीलंका के बीच में, श्री हरिकोटा द्वीप है, तो इस तरह से छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, अब इन सभी को बारी बारी से हमें स्टडी करना है, बारी बारी से हमें जानना है कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की हाइट कितनी है, ऊंचाई कितनी है क्षेत्र में, तो ये बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर में मैप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मैप से सारी सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मैप से हम लोग सारी चीजें समझ सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं मैप को मिटा रहा हूं, मैप की अब हमें आवश्यकता नहीं है, मैप मैंने पहले ही इसी समय को बचाने के लिए बना लिया था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि भूआकृति की दृष्टि से, भूआकृति की भूआकृति के दृष्टि से क्या होता है कि भारत में काफी विविधताएं हैं, भारत में काफी काफी विविधताएं हैं, विविधताएं हैं। ठीक है, विविधताएं हैं। अगर हम लोग पहला देखें तो 10.5% जो है पर्वत है, 10.5% है पर्वत है। ठीक है, 10, अब हम लोग पूरे भारत के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या है, कितने परसेंट क्या क्या है। ठीक है, और 18.5% की अगर हम लोग बात करें, 18.5% की बात करें तो पहाड़ियां हैं, एटीन पॉइंट फाइव परसेंट की बात करें तो पहाड़ियां हैं, जबकि 27.7%, 27.7% पठार है, ठीक है, और 43.2% अगर हम लोग देखें तो मैदानी प्रदेश है, मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, 10.5% हमारे पास पर्वत है, 18.5% पहाड़ियां हैं, 27.7% पठार हैं, जबकि 43.2% मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, अब एक चीज समझ लीजिए कि पर्वत, यहाँ पे जो मैंने पर्वत लिखा है, पर्वत
और पठार, इन दोनों में अंतर क्या है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो पर्वत क्या होती है? पर्वत पर्वत श्रृंखला में होती है। पर्वत हमेशा हमेशा श्रृंखला में होती है, श्रृंखला में होती है, में होती है, श्रृंखला में होती है। श्रृंखला का मतलब क्या है? लगातार, कंटिन्यूअसली, लगातार होगा। मतलब ये जो चीज है, ये आप देख रहे हैं, ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये एक श्रृंखला में है, लगातार है। ठीक है, जबकि पठार क्या होता है कि इसकी जो स्लोप होती है, स्लोप कम होती है। ये आप देख सकते हैं, ये पठार के बारे में मैं लिख देता हूँ। पठार जो है, पठार का जो स्लोप होता है वो काफी कम होता है, पठार का स्लोप जो होता है वो काफी कम होता है, पठार का स्लोप जो होता है वो काफी कम होता है, और कुछ आगे जाने पे समतल हो जाता है, कुछ आगे जाने पे समतल हो जाता है। तो ये पठार और पर्वत में अंतर है। पहाड़ियां क्या है? पहाड़ियां क्या है? जब पर्वत जो होते हैं, पर्वत की हाइट काफी होती है, बहुत ज्यादा हाइट होती है। ठीक है, पर्वत की हाइट लगभग 2500 मीटर से ऊपर होती है, 2500 मीटर से ऊपर होती है। ठीक है, तो पहाड़ियां क्या होती है? तो यही पर्वत जब घिस घिस कर छोटे हो जाते हैं तो पहाड़ियां बन जाती हैं। ठीक है, घिस घिस कर जब छोटे हो जाते हैं तो पहाड़ियां बन जाती हैं। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, और हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक पॉइंट और है यहाँ पे, कि विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुरा, सतपुरा, सतपुरा रेंज जो है, सतपुरा रेंज जो है भारत को दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। एक साउथ इंडिया, एक दक्षिण भारत, उत्तर उत्तर भारत और दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत, ये दो भागों में भारत को विंध्याचल और सतपुरा रेंज बांटती है। अभी हम लोग देख लेते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा विभाजन है, भौतिक विभाजन है, उसमें पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? उत्तर भारत, उत्तर उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय, इसे हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग देख लेते हैं। एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे जो है एक ही पर्वत नहीं है, एक पर्वत नहीं है, कई कई श्रेणियां हैं पर्वत की, बहुत सारी श्रेणियां हैं पर्वत की। ठीक है, जैसे कश्मीर की घाटी है, हिमालय एक ही पर्वत नहीं है, बहुत सारी पर्वत है, इनका भी विभाजन हुआ है, इनका भी विभाजन हुआ है। अगर हम देखें तो इनका विभाजन दो भागों में है, इनका विभाजन दो भागों में है, इनका विभाजन दो भागों में है। एक ट्रांस हिमालय है, एक ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, और दूसरा मुख्य हिमालय है, और दूसरा मुख्य हिमालय है, मुख्य हिमालय है। ठीक है, मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में क्या है? ट्रांस हिमालय का मतलब क्या है उसे समझ लीजिए। ट्रांस हिमालय का मतलब है कि हिमालय से और ऊपर, इसका मतलब है हिमालय से और ऊपर, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं हिमालय के उस पार, हिमालय के उस पार, ठीक है ना, उस पार, ये हमारा ट्रांस हिमालय है। ठीक है ना, और मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय भी दो भागों में बांटा हुआ है, इसकी भी दो श्रेणियां हैं, इसकी भी दो श्रेणियां हैं। एक हमारा काराकोरम श्रेणी है, एक हमारा काराकोरम श्रेणी है, और एक लद्दाख है, एक हमारा लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी। और मुख्य हिमालय जो है, मुख्य हिमालय तीन भागों में बांटा हुआ है, मुख्य हिमालय तीन भागों में बांटा हुआ है। ठीक है,
मुख्य हिमालय को तीन भागों में बांटा हुआ है। बाह्य वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, ठीक है। दूसरा जो है मध्य हिमालय, दूसरा है मध्य हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, और तीसरा वृहद हिमालय, सॉरी बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय है, या इसे हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं, इसे हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं, इसे हम लोग शिवालिक भी बोलते हैं, शिवालिक भी बोलते हैं, शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, हम ट्रांस हिमालय की दो श्रेणियां हैं, एक काराकोरम श्रेणी है, दूसरी लद्दाख श्रेणी है, ठीक है। मुख्य हिमालय की भी, मुख्य हिमालय की तीन श्रेणियां हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। अब हम लोग ट्रांस हिमालय में काराकोरम श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय में भी बहुत सारी चोटियां हैं उसको देखेंगे, और उसके बाद मुख्य हिमालय में वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय हम लोग देखेंगे अपने आगे के क्लास में। आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं इस क्लास को, और आगे के लेक्चर सीरीज हमें हम लोग ये इन इन सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। और इस अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे के वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि ताकि आप पिछला वीडियो लेक्चर भी देख सकें। और हमारा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और भी वीडियो बनाने का। और मैं ज्योग्राफी का जो भी लेक्चर है वो मैं ज्योग्राफी को कंप्लीट करूंगा, पूरा कंप्लीट करूंगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिल सके। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।